الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر. وبالسند المتصل قال الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حدیث سے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے آپ کے اس اجتماع کو ایک اچھا موقع غنیمت سمجھتے ہوئے میں سب سے پہلے افغانستان کے اندر آج امن معاہدے پر دستخط ہو جانے پر تحریک طالبان افغانستان کو اور وہاں کے مجاہدین کو اور جن لوگوں نے افغانستان کی آزادی اور دینی اسلام کی دفاع میں قربانیاں دی ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جس طریقے سے خود ان کی قیادت نے بھی زور دے کر یہ بات کی ہے کہ اس موقع پر افغانستان کے امن کو ہمارے درمیان اولویت ہونی چاہیے، اس کو کسی کی فتح اور شکست کا نام دے کر یا اس حوالے سے کسی کو عار دلانا یا تانا دینا، اس قسم کی باتیں نہ کی جائیں. میں سمجھتا ہوں عذرُ شریعت بھی فریقین کے معاہدوں کے لیے اس قسم کے رد عمل کا شرعی تقاضا موجود ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی افغانستان کو پرامن سرزمین بنائے اور آنے والی نسلوں کو اللہ تعالی پرامن ماحول عطا فرمائے اور دینی اسلام کی بنیاد پر آزادی کی زندگی ان کو نصیب فرمائے. میں جامعہ اسلامیہ اور جامعہ اسلامیہ کے فضلاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تحصیل علم کے تمام مراحل مکمل کر دیے ہیں. اب اس علم کی آپ نے قدر کرنی ہے. یہ ہمارے مدارس کا رواج ہے کہ تحصیل علم کی تکمیل پر ان کو عمامہ بندھاتے ہیں، اور عمامہ جو ہے یہ بہت محترم چیز ہے. کسی کی عزت و ناموس کو ہم
पगड़ी से ताबीर करते हैं, पगड़ी को हम इंसान की इज्जत करार देते हैं, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अमामा को तीजानुल अरब कहा कि ये अरबों का ताज है। अब ताज की हुर्मत, उसके इज्जत वो आप खुद बेहतर जानते हैं। हमारे हजरत शेख मौलाना अब्दुल हक साहब रहमहुल्लाह हमें नसीहत करते थे कि तुम समझते हो कि आज हम आलिम बन गए हैं। फरमाते थे तुम अभी आलिम नहीं बने। 8 साल 9 साल यहां पढ़ने के बाद तुम्हारे अंदर अब आलिम बनने का इस्तेदाद पैदा हो गया है। इस इस्तेदाद के हासिल हो जाने के बाद अब अगर आप चाहें कि आलिम बन जाएं तो आप अब बन सकेंगे। तो ये बहुत काम की बात है जो हमारे अकाबर हमें समझाते थे। अल्लाह ताला आप हजरात को भी हकीकी मानों में आलिम बनने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अल्लाह ताला ये तौफीक अता फरमाए। हम सब तालिबे इल्म हैं। इमाम बुखारी ने अपनी तसनीफ अलजामिउ सहीह अलमुख्तसर अलमुस्नद इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका आखिरी किताब किताब तौहीद है। और किताब तौहीद का ये आखिरी बाब है, बाब قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة। किताब की इब्तिदा इमाम बुखारी ने बदउल वही से किया है। باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم। चूंकि तश्कील हयात इंसानी का मदार वही पर है, वही के जरिए हम जिंदगी का मकसद मालूम करते हैं, वही के जरिए हम हलाल और हराम की तमीज करते हैं, वही के जरिए हम अवामिर और नवाही का पता चलाते हैं, मामूरात और मनहियात का इल्म हासिल करते हैं, तो इमाम बुखारी ने इस बात की तरफ मुतवज्जह किया कि इंसान जब इदराक अशिया की करता है तो जब वो पैदा होता है तो फिर वो शऊर फितरी से इदराक करता है। बच्चे को ये शऊर होता है कि अब मुझे भूख लगी हुई है, अब मुझे प्यास लगी हुई है, उसको खौफ भी होता है, उसको खुशी का भी एहसास होता है, और इसका इजहार
वो अपने मखसूस अदाओं से करता है और उससे वो अपने माँ या बाप को मुतला करता है और फिर वो उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। लेकिन इस शऊरे फितरी से इदराक करना, इसमें इंसान हैवानात के मुकाबले में मुमताज नहीं है। हैवानात भी पैदा होने के बाद शऊरी तौर पर इस तरह के इदराकात करते रहते हैं। जब इंसान बड़ा हो जाता है तो फिर वो हवा से खमसा से इदराक करता है। कुव्वत बासरा से देखता है, चीजों को पहचानता है। कुव्वत सामिया से सुनता है, अशिया का इलम हासिल करता है। कुव्वत शामा से सूंघता है, मालूम करता है खुशबू है बदबू है। कुव्वत जायका से चखता है, पता चलता है मीठा है कड़वा है नमकीन है। कुव्वत लामिसा से मालूम करता है ये चीज ठोस है ये नरम है ये सर्द है ये गर्म है। लेकिन हवास खमसा के जरिए इदराक ये भी इंसान को दूसरे हैवानात से मुमताज नहीं करता। दूसरे हैवानात भी इन्हीं हवा से खमसा के जरिए से इदराक करते हैं अशिया का। जब इंसान हद बुलूग को पहुंचता है तो फिर अल्लाह ताला उसको एक और कुव्वत देता है अकल की। अकल बहुत बड़ी कुव्वत है और रब की तरफ से बहुत बड़ी नियामत है। कैसे शुक्र अदा किया जाए उसका, शायद कुव्वत बशरी से बाहर हो। कुव्वत अकल के जरिए से वो कायनात की तस्खीर करता है। आपस के मामलात करता है, अपनी इनफरादी जिंदगी और उसकी जरूरतों को समझता है, इज्तिमाई जिंदगी और उनकी जरूरतों को समझता है, दूसरे इंसानों के अगर उसके ऊपर हुकूक हैं उनको समझता है, ममलकतों के निजाम को समझता है, आलवियात हों या सफलियात, फलकियात हों या अर्जियात, सबका इहाता करता है और उसकी तस्खीर करता है। ये वो कुव्वत है कि जो इंसान को तमाम हैवानात के मुकाबले में मुमताज बना देता है। और चूंकि अकल समझने की अलवियात हो या सफलियात, तो जब इंसान चीजों को समझता है तो फिर अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर यह दाइया भी पैदा कर दिया है कि दूसरे को भी समझाए। तो फिर अल्लाह ताला ने इंसान को एक दूसरी खसूसियत से नवाजा कि उसकी जुबान में कुव्वत गोयाई पैदा कर। सो एक कुव्वत से इंसान समझता है और दूसरी कुव्वत से इंसान समझाता है। एक जरिया है ताल्लुम का और दूसरा जरिया है तालीम का। एक जरिया है समझने का है और दूसरा है समझाने का। लेकिन अकल बावजूद इसके कि बहुत बड़ा रहनुमा है, लेकिन हर चंद के वो बहुत बड़ा रहनुमा है,
ताहम रहनुमाई के लिए काफी नहीं है, उसमें खताओ इनहराफ का इम्कान होता है। अकल मुतासर होता है, अकल मगलूब हो जाती है। मोहब्बत से मगलूब हो जाती है, खुशी से मगलूब हो जाती है, गजब से मगलूब हो जाती है, शहवत से मगलूब हो जाती है, और फिर इंसान वो कुछ करता है कि अगले दिन उस पर नादिम होता है। तो रहनुमा है, बहुत बड़ा रहनुमा है, कायनात की तस्खीर का जरिया है, लेकिन उसके बावजूद इंसान के अंदर जो बहीमियत और हैवानियत है, उसकी कैफियत कभी ऐसी तब्दील हो जाती हैं कि अक्ल का तकाजा कुछ होता है और इंसान के जज्बात का तकाजा कुछ होता है, जज्बात गालिब आ जाते हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने एक कामिल और मुकम्मल रहनुमाई के लिए बराह रास्त इंसान के पास वही भेजी कि जिसमें खताओ इनहराफ का कोई इम्कान नहीं, और उसके लिए अंबियाए किराम का सिलसिला, और धीरे धीरे जितना जितना इंसान का अक्ल शऊर बढ़ता गया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो इंसानियत जवानी को पहुंच गई थी, और तब जाकर फिर उम्मतों से हिसाब किताब शुरू हुआ। दुनिया में जजाओ सजा का अमल शुरू हुआ। तो इस एतबार से वही, चूंकि इंसान के पास अकल मौजूद है, तो फिर एलाम बिशराया उसकी जरूरत बन गई है। उसको पता तो हो कि मुझे अल्लाह ने किस लिए पैदा किया, मुझे जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला का मंशा क्या है, तो अल्लाह ने बराह रास उसको इलम से आगाह किया। चुनांचे कुरान करीम के जरिए वही मतलू और अहादीस मुबारक के जरिए से वही गैर मतलू, और इमाम बुखारी ने भी जो ये किताब लिखी है तो ये भी तो तफसीर कुरान है, फिका की भी किताब है, ये तो हर किस्म के मसाइल उसमें मौजूद हैं। इसीलिए अल्लामा कस्तलानी फरमाते हैं कि बाबु बदउल वही ये बमंजले मुकद्दमे के हैं। चुनांचे वो इस पर तसरीह भी करते हैं, लम्मा फरग अल मुअल्लिफ मिन बाब अल वही अल्लज़ी हुवा कल मुकद्दमत लिल किताब अल जामे। तो फिर जब बदल वही का बाब बमंजले मुकद्दमे के हुआ, तो इसका माना यह है कि बुखारी, इमाम बुखारी ने अपनी किताब की इब्तिदा किताबुल ईमान से की। तो इब्तिदा भी किताबुल ईमान और इंतहा भी किताबुत तौहीद, यानी मदार निजात तौहीद का अकीदा है। अकीदे तौहीद के बगैर निजात मुमकिन नहीं है, लेकिन साथ साथ वो हमारे उस्ताद भी तो हैं। तो हर चंद के बाब है
बदल वही का तर्जमतुल बाब है, बाब उन कैफ काना बदल वही इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हदीस बाब इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिमरिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही ومن كان هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه يتزوج। تنبيه کر رہے ہیں آپ کے لیے میرے لیے طالب علم کے لیے کہ جب آپ علم کا آغاز کریں گے اور گھر سے نکلیں گے تو دار و مدار قبولیت کا نیت کے اوپر ہے, تو سب سے پہلے نیت کو خالص کرو कि हमने इक्तसाब माश के लिए इल्म हासिल नहीं करना। इल्म इल्म है, इल्म नूर है, इल्म के बगैर मैं निरा हैवान हूं, जानवर भी सुबह जाता है जमीनों पे हल चलाने के लिए और साथ साथ इंसान भी जा रहा होता है और रात को वो भी घर आता है और फिर इंसान भी साथ घर आ जाता है, तो हैवान इंसान के काम में क्या फर्क है। तो अमाल की कबूलियत का दारोमदार नीयत पर है और नीयत आपकी जितनी ज्यादा उसके अंदर खुशू खुजू होगा उतना ही उसका वजन ज्यादा होगा, जितना उस लिहाज से कमजोरी होगी उतना वजन उसका कम होगा। तो आखिर में जाकर आपको बताया बाबू कौल तआला व नज़ अल मवाज़ीन अल क़िस्त यौम अल क़ियामत, तोलना भी है इसको फिर। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वमा खलक्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने इंस जिन को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब यहां पर जो अब्दियत है ये अब्दियत तशरीई है, तकवीनी नहीं है। अब्दियत तशरीई किसे कहते हैं? जब कोई काम इंसान के इरादा व इख्तियार के सपुर्द कर दिया जाए वो अमर तशरीई होता है। चूंकि इबादत अल्लाह ताला ने इंसान के सपुर्द कर दी, मेरी बंदगी करते हो या नहीं करते, तो फिर ये अमर तशरीई बना। अमन शाह अफल युग में अमन शाह अफल यकफुर इन्ना हदेना हूं सबीर इम्मा शाकिर इम्मा कफूरा। और अगर तकवीनी होता तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वलो शिना ला आतेना कुल नफ्स हुदा, हम तो हर इंसान को भी हिदायत दे सकते थे। लौशा रब्बुक लजअल अन्नास उम्मतन वाहिदा वला यज़ालून मुख्तलिफीन इल्ला मा रहिमा रब्बुक, तो अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत के ताबे नहीं किया, आपकी मशीयत पे छोड़ दिया है। और इंसान को अल्लाह ताला ने यह कुव्वत अता की है कि उसको इख्तियार भी अता किया और इरादा भी वो खुद कर सकता है। तो इस एतबार से अब्दियत तशरीई है, इंसान के इरादा व इख्तियार के सुपुर्द कर दिया गया मामला, तो जब मेरे अकल के सुपुर्द कर दिया गया तो फिर अकल तो मुख्तलिफ है, आपका अब क्या अपनी अकल है, मेरे सोच अपनी आपकी सोच अपनी, तो जाहिर है वलाया जारून मुख्तलिफीन होगा फिर।
अल्लाह चाहता तो सबको ईमान अता करता, अल्लाह चाहता तो सबको काफिर कर देता। लेकिन इंसान की मशीयत पर छोड़ दिया है, उसकी मर्जी है, वो ईमान लाता है और इताअत का रास्ता इख्तियार करता है या वो कुफर करता है और आसियान का रास्ता इख्तियार करता है। जब इंसान के सपुर्द हो गया तो इंसान दो टुकड़ों में तकसीम हो गया, कुफर भी करेगा, मजूसी भी बनेगा, नसरानी भी बनेगा, यहूदी भी बनेगा, और उसकी मर्जी है तो मोमिन भी बनेगा। तो इस एतबार से इंसान दो ग्रोहों में तकसीम हो जाता है, एक मोमिन और एक काफिर। एक इताअत करने वाला, दूसरा नाफरमानी करने वाला। अब जाहिर है कि अल्लाह ताला ने रूए जमीन पर अपनी नियाबत का हक उसे देना है जो अल्लाह का इताअत गुजार होगा और उस पर ईमान लाएगा। अपने नाफरमान को तो मोतमिन सा भी नए मोतमिन नहीं बनाता, अपनी गद्दी पर मुटाने के लिए तैयार नहीं होता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरह रूए जमीन की खिलाफत उसको अता करे। अब यहां पर दो चीजों को अलग अलग करना है। हमारे नौजवान आपस में इस बहस में लग जाते हैं कि तखलीक इंसान का मकसद अब्दियत है या खिलाफत है। ठीक है ना, बहस शुरू कर देते हैं, तखलीक इंसान का मकसद अब्दियत है या तखलीक इंसान का मकसद खिलाफत है। अब्दियत इनफिरादी चीज है, ये बमंजला शर्त के है खिलाफत के लिए। अगर अपने जात में आपके ईमान है और अपने जात में आपके अंदर अमाल सालिहा हैं कि ईमान बमंजल रूह के है और अमाल बमंजल बदन के हैं, जिस्म के हैं, तो फिर अगर आपके अंदर, आपकी रूह के अंदर ईमान मौजूद है और अमाल के अंदर इताअत मौजूद है, तो फिर इसका माना यह है कि आपके अंदर वो क्राइटेरिया पैदा हो जाता है कि अब आप उसके बाद खलीफा बनने के मुस्तहक बन जाते हैं। निजाम इज्तिमाई आपके हाथ में आ सकता है। अगर आपको वजू नहीं है, आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर आप किसी का ईमान नहीं है, किसी को अमाल सालिहा नसीब नहीं है, फासिक और फाजर है, गंदगी और गलाजत जो है सारी जिंदगी उसका मतमह नजर है, कोई नदामत उसके ऊपर नहीं है, तो फिर जाहिर है जी कि उसको अल्लाह ताला ये मकाम देने को तैयार नहीं है कि मेरा नियाबत भी करो। तो इस एतबार से हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि अब्दियत तशरीई है और ये जीना है खिलाफत के लिए, और खिलाफत के लिए सियासी निजाम का होना जरूरी है। लेकिन कब हमारे उलमा और मौलवी हजरात इस बात को तस्लीम करेंगे कि सियासत शरीयत है? सियासत तदबीर और इंतजाम का नाम है। इमाम वलीउल्लाह रहमहुल्लाह जो सियासत के मानी करते हैं, अन निजाम सालेह ले अदाए हुकूक المخلوق والخالق, तो इसके लिए तो मुनज्जम निजाम होना चाहिए। बगैर निजाम के आप किस तरह कह सकेंगे कि भाई तुम ये काम करो, ये मत करो?
तो इस एतबार से इमाम बुखारी अब अपनी किताब का इख्तिताम फरमाते हैं और अब हमें इस तरफ मुतवज्जह करते हैं कि ये जितने दो जिल्दों में किताब है ये तो दुनियावी जिंदगी में लायक है अमल है, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारोगे। और फिर ये भी कि ऐसा नहीं है कि बस आपने काम कर दिया और ख़त्म हो गया, इसका कयामत के रोज अल्लाह के सामने आपको जवाब भी देना पड़ेगा। तो इसीलिए फरमाया वनदअ अल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौम अल क़ियामा व अन अमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न, हम रखेंगे तराजू आदल के